पेंट या प्लाजो की, जिसकी लेंथ को हमें कम करना है। और साथ इसका जो बॉर्डर है वो 2 इंच का है और यहाँ पे 1/2 इंच हमें मेजर करना है। इसको सीजर से कट कर अलग हटा देंगे इतने पार्ट। तो ये हमारे पेंट की पूरी फिटिंग हो गई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्पना और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रेडीमेड पैंट या प्लाजो की, जिसकी लेंथ को हमें कम करना है और साथ ही साथ इसके इस बॉर्डर को हमें यहां पे शिफ्ट करना है। आप यहाँ ऊपर वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी नीचे आ रही है और इसका जो बॉर्डर है वो शलवार की मोहरी जैसा लग रहा है और जो लेंथ है वो फैब्रिक थोड़ा सा लटक रहा है, तो इसमें शलवार का जैसा लुक आ रहा है ना कि पैंट का जैसा। तो अब हम इसको ही फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रेस कर लिया है और इस पैंट को एक सा कर लिया है। अब इसका जो बॉर्डर है वो 2 इंच का है, बट इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि जो इसकी बॉटम की जो लेंथ है यानी कि मोहरी की जो विड्थ है, सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा कम है, तो इसमें थोड़े से ना गैदर्स जैसे आ गए हैं, तो वो भी हमें हटाने हैं। तो उन सबको करने के लिए सबसे पहले हमें इस बॉर्डर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब इसकी सिलाई उधेड़ के इसको हटाना होगा। तो उससे पहले हमें एक मेजरमेंट लेना होगा जो कि हमें चाहिए है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जो नाप रही हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए 34.5। आपको अगर आप इस तरह से कुछ फिटिंग कर रहे हो और आपका उसमें कटिंग हो रही हो ज़्यादा, तो आप कटिंग कर सकते हैं। इस मेजरमेंट में 34 आ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए ज़रूरत होगी। तो अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है। अब हमें इसकी ये जो बॉर्डर है इसकी सिलाइयाँ खोलकर इसको यहाँ से अलग करना होगा। अब यहाँ से हमने ये सिलाइयाँ रिमूव करके बॉर्डर अलग हटा दिया है और इस पर प्रेस करके इसको एक सा कर दिया है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक मेजरमेंट दोबारा से लेना होगा जो कि हमारा फाइनल मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे फिर से 34 हमारे जो प्रॉपर लेंथ है वो आ रही है और यहाँ पे 1/2 इंच हमें मेजर करना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस ट्राइंगल स्केल का, ये मैंने अमेजोन से परचेज करा है। ये इस तरह के मार्किंग करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहें तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन है अब हम इसको सीजर से कट कर अलग हटा देंगे इतने पार्ट। तो जब तक हम इसे कट कर रहे हैं तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और हमें नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब ये बॉर्डर हमने अलग कर लिया है, इसको एक बारी हम इस तरह से मेज़र कर लेंगे कि ये प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसे सेट कैसे करना है, पहले हमें इसका सेंटर निकाल लेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड कर देख लेंगे कि इसका सेंटर कहाँ आ रहा है। उसके बाद में जहाँ पे पैंट का सेंटर आ रहा है तो वहाँ पे हमें इसे प्लेस करना है। तो प्लेस करने की टेक्निक जो होगी वो ये होगी कि बॉर्डर का एम्ब्रॉयडरी वाला साइड और पैंट का बैक वाला साइड, जहाँ पर स्टिचिंग लगी हुई है वो वाला साइड, तो इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे और साथ के साथ पिन से भी सिक्योर कर लेंगे ताकि आपको अटैच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें मैं पूरे राउंड में पिन लगा लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से सिक्योर हो गया है। एंड में भी हम इसमें अच्छे से पिन लगा लेंगे और ये पूरा यहाँ पे सिक्योर हो चुका है। अब हमें इसी जगह पर जहाँ हमने पिन लगाई है यहीं पर हमें सिलाई भी लगानी होगी। तो देखिए स्टिच होने के बाद में ये कुछ ऐसा लगेगा। अभी फ़िलहाल ये स्टिच नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ पिन्स लगी हुई हैं। यहाँ पे बस हम इसे सेट कर देख रहे हैं नॉर्मल तरीके से। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से मेजरमेंट ले लेंगे कि ये जो हमने इसकी कटिंग और सिलाई कर रहे हैं ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर चुकी हूँ मशीन से। आप देख सकते हैं कि ये मैं यहाँ पे किनारे पे जहाँ हमने पिंस लगाई थी वहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा दी। अब हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे ये ऊपर बॉर्डर आ रहा है अब हमें इसको स्टिच करना है और इसकी फिटिंग लाइन भी देनी है। जहाँ तक आपको इसको सिलाई करनी हो वहाँ तक इसकी आप फिटिंग लाइन ले लीजिए। अब इसको सिलने से पहले हम यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे, जैसे कि हमने बैक साइड में करा था वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको पिन से एक बारी सिक्योर कर लेंगे, देन हम इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी पूरा बॉर्डर फिक्स हो चुका है इसमें और साइड से हमने जो फिटिंग लाइन थी वो भी दे ली है और ये कितने अच्छे से इसमें फिक्स हो गया है। तो अब हमारी जो पैंट थी वो भी प्रॉपर शेप में आ गई है। देखिए ये बिल्कुल फिनिशिंग वाला क्लोजअप मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने जिगजैग कर दिया है, ये फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं हुई मुझे। मेरी मशीन में एक जिगजैग मोड है तो वो जिगजैग मोड मैंने उसमें लगाकर और इसको अच्छे से लॉक कर दिया है, अब ये निकलेगा नहीं यहाँ से। तो ये हमारे पैंट की पूरी फिटिंग हो गई है। ये वीडियो तो था कि पैंट की लेंथ को कैसे कम करा जाए। अगर आपको प्लाजो की लेंथ को बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह के यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।